नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉरेन बफेट स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टिंग के आधार पर कौन से कंपनियों आपको इन्वेस्ट करने चाहिए। वॉरेन बफेट स्ट्रेटजी जो होता है कि वॉरेन बफेट साहब ने कहा है कि कंपाउंडिंग इज एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो कंपाउंडिंग है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हिंदी में आप पढ़े होंगे चक्रवृद्धि ब्याज, वो जो है आठवां अजूबा है इस दुनिया का। दोस्तों अगर आप 100 रुपया अगर आप लेते हैं इंटरेस्ट पर, तो आप 10% इंटरेस्ट पे, तो उस पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों इक्वल होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन दूसरे साल से जो इंटरेस्ट होगा 10 रुपये, उस पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है पहले साल का वो एड नहीं होता है। तो यही होता है स्टॉक मार्केट में, जो आपका शेयर का प्राइस अभी 2000 रुपीज़ है वो 3000 हो गया। आप जो वहां से शेयर प्राइस बढ़ेगा 3000 से, जो दूसरा कोई इन्वेस्ट करेगा, आपने 2000 पे किया है, 3000 पे इन्वेस्ट करेगा तो उसको 3000 पे रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको तो 2000 पे ही मिल रहा है। तो वहां से अगर 3000 से 100% का रिटर्न देता है, 100% का, तो शेयर हो गया कि 6000 का, तो 3000 वाले को 100% रिटर्न मिला, जबकि आप वहां से देखेंगे 2000 के प्राइस से तो 200% का रिटर्न मिला। तो सिंपल है, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, IMA साइंस स्टूडेंट, तो ये सब जो है हमें मैथमेटिक्स इजिली समझ में आता है कंपाउंडिंग किस तरह से होता है। तो यही कंपाउंडिंग का रूल है सिंपली, कि आपका रिटर्न जो होगा जितने साल तक आप इन्वेस्टमेंट में बने रहेंगे आपका रिटर्न वहां से ऊपर फिर मिलेगा। अब कोई 5 साल बाद इन्वेस्ट करता है किसी भी शेयर में, तो उसको 5 साल बाद का जो प्राइस है वहां से रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको 5 साल पहले वाले प्राइस पे ही रिटर्न मिलेगा। तो जो कंपाउंडिंग होता है उसको आने में, मतलब आपके शेयर को कंपाउंडिंग होने में वक्त लगता है, कम से कम तो 3 ईयर्स 5 ईयर्स होता है जब आप उसको रखे रहते हैं, तब वहां से कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको दिखता है। तो इन सब बातों को याद रखना है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट तभी दिखेगा जब स्टॉक कई टाइम्स हो जाएगा, 2-3 टाइम्स जब आपका रिटर्न हो जाएगा किसी भी शेयर में, तो वहां से आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट उस शेयर में दिखेगा। तो इसी वॉरेन बफेट स्ट्रेटजी में अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, माइक्रो कैप में करते हैं, मिड कैप में करते हैं, तो रिस्क काफी होता है, क्योंकि वो कंपनियां ज्यादा लंबी तक सर्वाइव कर पाएगी, मतलब उस कंपनी का बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, तो ये दिक्कत होता है। लेकिन जो इंडस्ट्री के सबसे ब्लू चिप कंपनियां हैं, जो वेल एस्टेब्लिश्ड है बिजनेस में, वो कंपनियां आपको 10 साल पहले भी था, 20 साल पहले भी था और अभी भी है। तो इसी तरह के स्टॉक को आपको चुनना है जिसमें आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिले, साथ साथ ग्रोथ भी मिले। ऐसी नहीं कंपनियां तो चुन लिए उसमें ग्रोथ ही नहीं मिलता, अब 20 साल के टाइम पीरियड में मात्र 100% का 200% का रिटर्न दिया, तो फिर आपको कोई बेनिफिट होने वाला खास नहीं है। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला है रिलायंस, अगर रिलायंस का चार्ट देखें तो पिछले 20 ईयर्स में देख लीजिए, कंपाउंडिंग के बेनिफिट के आधार पर देख लीजिए, इस लगभग 4000% तक का रिटर्न ये लगभग दे चुका है। तो यहीं पर आपका कंपाउंडिंग मतलब आपका काम करेगा लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इस तरह के स्टॉक में रहते हैं। तो कौन सा स्मॉल कैप अगले 20 साल तक सर्वाइव कर पाएगा, ये तो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, लेकिन जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, कौन सी कंपनियां सर्वाइव कर सकती हैं, ये हम भी जानते हैं, क्योंकि रिलायंस का जो बिजनेस है वो हमारे ऑल इंडिया में पूरी तरह से डाइवर्सिफाई है। तो कोई एक बिजनेस नहीं है जिससे प्रभावित होने से रिलायंस के बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा इस कंपनी पे। इसका जियो का बिजनेस है, रिलायंस रिटेल है, रिलायंस पेट्रोलियम है, तो उस तरह से अब मीडिया सेक्टर में भी नेटवर्क 18 है, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट है, सारी की सारी कंपनियां जो है रिलायंस के अंतर्गत आती है, सबकी पैरेंट कंपनी रिलायंस है। तो ये कंपनियां हैं जो कि अगले 20 साल तक बिजनेस कर सकती है और ग्रोथ भी दिखा सकती है। तो जब ग्रो होगी तो सीधा आपका जो फोकस होना चाहिए ग्रोथ पर होना चाहिए, तो जब ग्रो होगी बिजनेस तो कंपनी का शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ग्रोथ होगा, प्रॉफिट ग्रोथ होगा, तो उससे सीधा फायदा होगा इन्वेस्टर को। तो पहला कंपनी हो गया रिलायंस आपका, इसका करेंट प्राइस है 2040 रुपये, इसको हमने कई बार बताया था जब भी 1800 के आसपास आता है तो जरूर इन्वेस्ट कर लीजिए, 1800 रुपया 1850 के आसपास ही जाता है बार बार, और वहां से फिर से वापस ये 2100 रुपये के आसपास आ जाता है, तो इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा जो शेयर है आपको पहले ही बता दिया, वो सी कंपनियां में आपको इन्वेस्ट करना है जो अगले 20 साल तक अपने बिजनेस में ग्रोथ करता रहे, अगले 20 साल तक कम से कम मार्केट में रहे और वहां बिजनेस भी करे, अपने बिजनेस को ग्रो भी करे। तो उसमें है
आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर की जो कंपनी है इसमें आप इन्फोसिस के साथ जा सकते हैं, एससीएल के साथ सकते हैं, टीसीएस के साथ जा सकते हैं, कोई भी कंपनी इसमें से अच्छा कर सकती है, विप्रो है, विप्रो भी अच्छा कर सकते हैं, तो टॉप 4 कंपनी है, लेकिन हम इन्फोसिस के साथ जाना ज़्यादा बेहतर पसंद करेंगे। इन्फोसिस देखिएगा तो हमेशा अच्छा किया है और सारी कंपनियों की तुलना में रिटर्न भी काफ़ी बेहतरीन दिया है और काफ़ी अच्छा बोनस भी देता है ये कंपनी। पिछले 20 साल में लगभग 8000% का रिटर्न दिया है, तो यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग वर्क करेगा। साथ ही साथ ये कंपनियाँ आपके शेयर को भी कंपाउंडिंग करता है क्योंकि ये लगातार इंटरवल पे आपको बोनस देता है। साथ साथ इन कंपनियों में डिविडेंड भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिलता है, 1.6% का डिविडेंड मिल रहा है, मतलब आपके जो इन्वेस्टमेंट होगा उस पर इतना का डिविडेंड मिलेगा। अभी जो इन्वेस्टमेंट होगा अगर आप बहुत पहले किए होंगे तो आपका डिविडेंड जो है ये यील्ड 5% भी हो सकता है, मतलब लॉन्ग टर्म में आपका जो FD पर ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उतना आपको डिविडेंड के रूप में मिल जाएगा इन सब कंपनियों में। तो ये होता है कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो लॉन्ग टाइम में, कंपाउंडिंग का मैजिक लॉन्ग टाइम में काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी बेहतरीन है। तो याद रखिएगा कंपाउंडिंग हमेशा वर्क करता है। अभी करंट प्राइस इसका 1312 रुपये, 500 रुपये से ये स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, और 500 रुपये से ये स्टॉक देख सकते हैं अपना जो ऑल टाइम हाई है 1400 का, वहाँ तक जा चुका था ये स्टॉक, अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो वेट कीजिए, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टर काफ़ी लंबे समय तक वेट करते हैं, अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, जिस समय मार्केट में करेक्शन आता है तो वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है। अगला है हमारा HDFC बैंक। दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में जो सबसे अच्छा बैंक है, जो सबसे लीडर बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंक का, वो है HDFC बैंक। आप HDFC बैंक चाहे ICICI के साथ जा सकते हैं या कोटक के साथ जा सकते हैं, एक्सिस के साथ जा सकते हैं, सारी कंपनियाँ बेहतरीन है, कोई भी किसी से ज़्यादा रिटर्न दे सकती है, लेकिन HDFC के साथ जाना ज़्यादा आपका सेफ होगा, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा भी होगा। और ये कंपनियां भी देखिएगा लॉन्ग टर्म में काफ़ी सॉलिड रिटर्न, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया, देखिए 99 से अभी तक में 28000% का रिटर्न दिया है। मतलब आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सीफाई भी करना है, किसी एक ही सेक्टर में या एक ही स्टॉक में आप लगा देते हैं अगर वो परफॉर्म नहीं करता है तो फिर आपका जो अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए हर सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, हर अलग अलग तरह की कंपनी में होना चाहिए। तो ये भी स्टॉक काफ़ी सॉलिड है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन है, और करेंट प्राइस देख लीजिए 1589 रुपये है, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा है वो है इंश्योरेंस सेक्टर से HDFC लाइफ। आप SBI लाइफ के साथ जा सकते हैं, ICICI जो लोम्बार्ड है ICICI लोम्बार्ड के साथ भी जा सकते हैं, अच्छा है, और ICICI लोम्बार्ड जनरल वो भी काफ़ी अच्छा कंपनी है। और यहाँ पर देख लीजिए HDFC लाइफ, इसका करेंट प्राइस है 709 रुपये। ये सारी ब्लू चिप कंपनियाँ हैं जो भी बता रहे हैं, ये सारी कंपनियाँ हैं जो अगले 20 साल तक बिजनेस कर सकती है हमारे इंडिया में। और अभी 709 रुपीज़ का करंट प्राइस है, इसका भी रिटर्न देखिएगा तो ज़्यादा लिस्टिंग पुराना नहीं है, 2017 में ये कंपनी लिस्ट हुई है और वहाँ से देख लीजिए 100% का रिटर्न है, तो काफ़ी सॉलिड है। उसके बाद जो अगला स्टॉक है हमारा वो है फाइनेंस सेक्टर से बजाज फाइनेंस, सेक्टर लीडर स्टॉक का, और इस स्टॉक का रिटर्न देख करके तो आप भी चौंक जाएंगे, इतना सॉलिड रिटर्न है, इतना बेहतरीन रिटर्न है कि नहीं कहिए। और बजाज फाइनेंस हो गया जैसे HDFC भी है, लेकिन बजाज फाइनेंस के साथ जाइए, अलग अलग ग्रुप की कंपनियों के साथ जाइए, अलग अलग ग्रुप की कंपनी रहेगी तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा, आपका हर तरह से डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए पोर्टफोलियो का। और इसका करेंट प्राइस है देख लिए 5576, ये लगभग 1800 रुपीज़ पे आया था, वहाँ से मैं इस स्टॉक को बता रहा हूँ कि आपका बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, जब भी चाहें आप इन्वेस्ट करते हैं, जब भी गिरावट में मिलता है तब इन्वेस्ट करें। करेंट मतलब लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखिएगा तो ये स्टॉक काफ़ी गजब का रिटर्न दिया है, 96000% का रिटर्न है। तो इस तरह का मल्टीबैगर रिटर्न, तो इसी तरह के मल्टीबैगर रिटर्न के लिए लोग बहुत सारे रिस्क लेते हैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का, लेकिन आप लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करते हैं तो कोई सारी कंपनियां हैं जो आपको इस तरह का मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारा मारुति सुजुकी, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, अगर आप फोर व्हीलर जो हम यूज करते हैं उसकी लीडिंग कंपनी की बात करें तो वो है मारुति, काफ़ी सस्ते फोर व्हीलर प्रोवाइड करती है कंपनी के साथ साथ हमारे मार्केट का फोर व्हीलर मार्केट का लीडर कंपनी है। और जो जब तक हम लोग हैं लाइफ जितना धीरे धीरे स्टैंडर्ड हो रहा है तो उतना फोर व्हीलर का यूज भी बढ़ रहा है, तो मतलब ये जो फोर व्हीलर का यूज है कभी घटने वाला खास नहीं है, मतलब ये सब दिन यूज होने वाला है, तो इसके प्रोडक्ट हमेशा मतलब मार्केट में जाएंगे ही, कभी थोड़ा सा जो होगा ज़्यादा मतलब होगा, कभी थोड़ा कम हो जाएगा, तो मतलब इसका भी एक साइकिल चलता है, कभी कभी थोड़ा सा जो इसका बिक्री होता है वो कम हो जाता है, सेल कम हो जाता है, कभी कभी सेल काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ओवरऑल अच्छी कंपनी है, सेक्टर लीडर कंपनी है, लॉन्ग टर्म का रिटर्न भी देखेगा तो काफ़ी सॉलिड है। यहाँ पर देख लीजिए 4200% का रिटर्न है लॉन्ग टर्म में, जो कि काफ़ी सॉलिड है। करेंट प्राइस है 7570 रुपये, तो
प्राइस थोड़ा महंगा है, लेकिन आप जो अच्छे स्टॉक है वो महंगे प्राइस पे ही मिलेंगे। कभी ये मत सोचिए कि जो महंगे प्राइस है तो अच्छी कंपनियों का तो वो यहाँ से क्रैश हो जाएगा या बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाएगी। गिरावट होगा, रिकवर भी उतना ही फास्ट होगा इन सब कंपनियों में। अगला है हमारा टू व्हीलर सेक्टर के जो लीडिंग कंपनी हीरो मोटर कॉर्प, इसका करेंट प्राइस है 3512 रुपीज, तो 3500 का स्टॉक है। ये भी थोड़ा महंगा स्टॉक है, लेकिन इसका भी लॉन्ग टर्म का रिटर्न देखिएगा काफ़ी सॉलिड है, और टू व्हीलर में की तो ये लीडिंग कंपनी है ही, और आने वाले समय में इस कंपनी के प्रोडक्ट जो है मार्केट में धूम मचाते रहेंगे, तो इस कंपनी में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अभी देख लीजिए 3100% का रिटर्न है, जो कि काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद जो अगला स्टॉक है हमारा स्टॉक मार्केट के जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर है उसमें से एक है राधा कृष्ण दवानी जी, ये उनकी कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट, तो इनके प्रमोटर हैं राधा कृष्ण दमानी जी। निश्चित है कि वो स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा किए हैं, मतलब वो कंपनी के हर बिहेवियर को जानते हैं, तो आप इस कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं। काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी सॉलिड बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। करेंट प्राइस है 2925 रुपये, और ये कंपनी ज़्यादा दिन लिस्टिंग हुआ नहीं है, लेकिन देखिएगा रिटर्न 2017 से अभी तक में काफ़ी सॉलिड दिया है, 374% का रिटर्न है, जो कि काफ़ी सॉलिड है। उसके बाद अगला जो कंपनी हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी सॉलिड है। FMCG सेक्टर में कई सारी कंपनियां हैं, जैसे हिंदुस्तान लिवर, नेस्ले, ब्रिटेनिया, इनमें से किसी भी कंपनी के साथ आप जा सकते हैं। अगर इस कंपनी के मतलब रिटर्न की बात करें लॉन्ग टर्म में, तो ये भी कंपनी काफ़ी सॉलिड रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। देख लीजिए पिछले 20 साल में 1250% का रिटर्न, मतलब जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसको छोड़ करके इन सब कंपनियों में FMCG सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। और इसका जो अगर आप बात करें अभी करेंट प्राइस का, तो 2241 रुपये इसका करेंट प्राइस है, और जब भी ये स्टॉक 2000 या उसके आसपास मिलता है तो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। और बाय एंड फॉरगेट वाले ये सारे के सारे स्टॉक है, क्योंकि ये सारे के सारे सेक्टर लीडर हैं, ब्लू चिप कंपनियां मतलब जो अपने बिजनेस में वेल एस्टेब्लिश्ड है। अगला है हमारा एशियन पेंट, ये भी काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, 2488 रुपये इसका करेंट प्राइस है, और ये भी स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी सॉलिड रिटर्न दिया है। देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में 20000% का रिटर्न है, जो कि काफ़ी सॉलिड है, और इसी तरह के मल्टीबैगर रिटर्न ये स्टॉक आगे भी देने की रखता है, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट हैं, आप इसका जो पेंट एशियन पेंट यूज करते हैं मार्केट लीड करता है, तो जो प्रोडक्ट मार्केट लीडर है जिस कंपनी का, वो ही कंपनी आगे भी अच्छा करेगी, आगे ग्रोथ दिखाएगी आपको। उसके बाद अगला है हमारा भारतीय एयरटेल, जियो तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन भारतीय एयरटेल भी जियो से कम नहीं है। अभी भारतीय एयरटेल जियो से आगे निकल चुकी है सब्सक्राइबर जो बेस है उसमें, और कंपनी का प्रॉफिट भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। आगे जो डाटा है उसका डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाला है, मतलब जैसे जैसे देख रहे हैं इंटरनेट अब धीरे धीरे और महंगा हो रहा है, क्योंकि जियो जब फ्री दिया था तो उस समय काफ़ी इंटरनेट सस्ता था, धीरे धीरे महंगा हो रहा है, तो ये सारी कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगी, तो ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है लॉन्ग टर्म के लिए। और देखिए अभी भी पिछले 20 साल में ये 2848% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी सॉलिड है। तो इन सारे स्टॉक में आप बाय एंड फॉरगेट वाले हैं, मतलब ये सारी कंपनियां हैं जो कि सेक्टर को लीड करती है, अपने बिजनेस को लीड करती है, और काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो किसी भी एस्टेब्लिश्ड कंपनी को हटा करके कोई नई कंपनी आती है उसको वक्त लगेगा, तो इसी कंपनियों में जो आपको आने वाले समय में एक कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट होता है, जो वॉरेन बफेट स्ट्रेटेजी है कंपाउंडिंग का, वो आपको इसमें गेन होगा। उसके बाद जो अगली कंपनी है वो हमारा टाइटन, तो कुल 12 शेयर हमने इस वीडियो में बताया। और आपका कौन सा फेवरेट 5 शेयर्स है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो ब्लू चिप कंपनी है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी 5 कंपनियां हैं ब्लू चिप कंपनियां जो आपको सबसे ज़्यादा फेवरेबल लगती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे 10 साल 20 साल के लिए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका व्यू किस पे है, कौन सी 5 कंपनियां सबसे ज़्यादा आपके फेवरेबल हैं। तो अगला है टाइटन कंपनी, और इसका करेंट प्राइस है 1495 रुपये। ये स्टॉक जब 800 पर था तभी मैंने बताया था कि यही स्टॉक है जो राकेश झुंझुनूवाला को काफ़ी ज़्यादा रिच बनाया था, और इसमें चाहे तो आप भी इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा खासा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। अगर देखें यहाँ से 20 साल पहले, मतलब 20 साल से इसका रिटर्न, तो 34000% का रिटर्न मिला है इस कंपनी में, जो भी 2000 ईस्वी में इसमें इन्वेस्ट किया होगा। तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, काफ़ी बेहतरीन है, आप इसमें बाय एंड फॉरगेट वाले ये सारे के सारे स्टॉक है, और इसमें इन्वेस्ट करके आप चैन की नींद सो सकते हैं, और लॉन्ग टाइम में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा इन सारे स्टॉक में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है। आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता। कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।